क्वेश्चन है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 हो तो विक्षेपण कोण ज्ञात करिए। विक्षेपण कोण क्या होता है, चलिए समझते हैं। सो विक्षेपण कोण जानेंगे। सबसे पहले प्रिज्म बनाए, प्रिज्म एक शीशा का तीन कोना त्रिभुज जैसा होता है जिसमें श्वेत प्रकाश अगर इधर से हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में इधर क्या होता है, बिखर जाता है। 7 रंगों में अलग अलग प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। ये जो एंगल होता है ये प्रिज्म के साथ, इसे कहते हैं विक्षेपण कोण। क्या कहते हैं इसे, विक्षेपण कोण। इसे डेल्टा से दिखाते हैं। ये वाला जो एंगल होता है इसे कहते हैं प्रिज्म कोण, जिसे ए से डिनोट करते हैं। और इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा जिसे म्यू से दिखाते हैं। ये म्यू बराबर हो गया अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है। ए का मान दिया है 60 डिग्री, अपवर्तनांक म्यू का मान कितना दिया है √2, और विक्षेपण कोण यानी डेल्टा बराबर निकालना है हमें, डेल्टा बराबर विक्षेपण कोण निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 बटे साइन ए बाय 2। ये फार्मूला होता है, इसे याद रखिए। ये फार्मूला होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 बटे साइन ए बाय 2। अब सबका मान धरिए थे यहाँ पर, देखिए म्यू का मान कितना दिया है, म्यू का मान दिया है √2 धर दीजिए। साइन की जगह साइन ए का मान 60 दिया है, यहाँ 60 धर देंगे। ये हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, बाय 2 साइन 60 बाय 2। थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं आगे, ये √2 तो सेम है, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। यहाँ देखें तो साइन 60 बाय 2 कितना, 60 बाय 2 साइन 30 हो जाएगा, साइन 30। अब देखिए ये √2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। साइन 30 का मान होता है कितना, साइन 30 का मान होता है 1/2, हाफ होता है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हाफ इधर आके हो जाएगा √2 गुना 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। अब देखिए तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को इस तरह हम लिख सकते हैं 1/√2 गुना √2 इधर साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। देखिए एक √2 से एक √2 खत्म, इधर क्या बचा 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। अब देखिए साइन इधर 1/√2 किसका मान, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इधर भी साइन 60 प्लस डेल्टा बाय 2। ये साइन से साइन खत्म, इधर 45 हो गया 60 प्लस डेल्टा बाय 2। ये दो इधर क्रॉस में रहते साइन 90 हो जाएगा, ठीक है 60 प्लस डेल्टा बाय 2। हमें ये चाहिए सिर्फ ये, इसलिए डेल्टा बराबर 90 प्लस, ये इधर है 60 प्लस में इधर आके क्या माइनस में जाएगा 30 डिग्री, यानी डेल्टा बराबर हो गया ये 30 डिग्री आंसर, यानी विक्षेपण कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा, वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल स्पेशल डालते रहेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ये आशा करते समझ में आ गए। और ये प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, इसे आप याद कर लीजिए, सिंपल थोड़ा, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा याद रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। धन्यवाद।